हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए कहानी लेकर के आई हूँ। और जो मेरी आज की कहानी है वो फैशन वर्ल्ड के ऊपर है और फैशन का जो फोकस होता है सिर्फ एक तरफ ही होता है और वो है गुड लुक्स। और जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छी साइड होती है, एक बुरी साइड होती है, ऐसे ही फैशन वर्ल्ड के भी दो साइड होते हैं, एक अच्छी और एक बुरी। फैशन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन होता है, असाइनमेंट बहुत कम होते हैं, लेकिन मॉडल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फैशन इंडस्ट्री के मॉडल्स के मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे का दर्द कोई भी नहीं जानना चाहता है। साथ में ही कितना भी प्रिटी या कितना भी सुंदर फेस हो, जो मॉडल्स होते हैं उनको रिजेक्शन का डर हर समय लगा रहता है। जो भी नए मॉडल्स इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं उन लोगों के साथ इन इंडस्ट्री के लोग बहुत ही उनको बड़े बड़े सुनहरे सपने दिखाते हैं और साथ में ही उनसे झूठ भी बोलते हैं। उनको कम पैसों में उनको न्यूड और सेमी न्यूड शूट के लिए तैयार कर लिया जाता है और साथ में ये बोला जाता है कि जैसे ही ये असाइनमेंट कम्प्लीट होगा उसके बाद उनके पास असाइनमेंट की एक लंबी सी लाइन लग जाएगी, लेकिन ये सब कुछ एक झूठ होता है। और कई बार रैंप शो के दौरान जो मॉडल्स होती हैं उनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ये सब कुछ जो होता है ये सिर्फ एक बार नहीं होता, ये हर बार होता है और बहुत सारी मॉडल्स के साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन ये किसी गलती की वजह से नहीं होता बल्कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट होता है और ये स्क्रिप्टेड होता है। जब भी आप फैशन मॉडल को देखते हैं तो उनका बहुत ही अच्छा लुक और साथ में उनका रहन सहन, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना, फॉरेन ट्रिप में, और उनका ये जो ग्लैमरस लिविंग स्टाइल है, इसको देख करके आप लोग ये जरूर सोचते होंगे कि इनको बहुत ज्यादा अच्छी रकम मिलती होगी मॉडलिंग में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इंडियन मॉडल्स हैं वो कई बार महीने में 10,128 से लेकर के 45,000 तक ही कमाती हैं। फैशन मॉडल्स की जो लाइफ होती है कर्जों में डूबी हुई होती है, उनके पास कई बार पैसा बहुत कम आता है लेकिन उनके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। और जो मॉडल्स होती हैं अपने इस ग्लैमरस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए अगर उनको असाइनमेंट नहीं मिलता तो वो कई बार इनलीगल काम करने के लिए भी तैयार हो जाती हैं और कई बार वो एजेंसी से इनके कर्जा भी ले लेती हैं। तो ये बोल सकती हूँ मैं कि ये जो मॉडल्स की जो जिंदगी होती है वो कर्जों में डूबी होती है। जो ये कैश की प्रॉब्लम है ये सिर्फ इंडियन मॉडल के साथ ही नहीं बल्कि बाहर के मॉडल के साथ भी बहुत कुछ होता है। 2019 में एक रिसर्च किया गया, उसमें ये पता लगाया गया कि जो मॉडल्स हैं उनको क्या चेक ठीक टाइम पे मिल जाता है या नहीं। लेकिन जब वहां की मॉडल्स से पता किया गया तो बहुत ज्यादा लोगों ने खुल करके बोला कि कभी कभी उनको कैश बिल्कुल नहीं मिलता बल्कि उनको गिफ्ट वाउचर और फॉरेन ट्रिप का लालच दे करके उनको घर भेज दिया जाता है और उसके बाद ये पेमेंट उनको कभी भी नहीं मिलती। एक बार तो मिया नाम की मॉडल ने अपना एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट शेयर किया। उसने बताया कि एक टाइम ऐसा आया था कि उसके पास ना तो खाने के पैसे थे, ना ही रेंट के, और साथ में टेलीफोन बिल के भी पैसे उसके पास नहीं थे। मिया ने एक फेमस फैशन ब्रांड के लिए काम किया था और जब वो उसके लिए अपना चेक लेने के लिए वहां जाती है तो वो जो फैशन ब्रांड थे उन्होंने उसको गिफ्ट वाउचर दे दिया। कई मॉडल ने तो ये भी बताया कि जब उनको शूट के दौरान उनको बाहर लेकर के जाते हैं, उनको खिलाया पिलाया जाता है और अच्छे होटल में स्टे कराया जाता है और उनको घुमाया जाता है, लेकिन अगर वो मॉडल उस पर्टिकुलर असाइनमेंट में सेलेक्ट नहीं होती है तो उस मॉडल को ये सब कुछ पैसे वापस करने पड़ते हैं। जो उसने खाया, जहां वो स्टे कर रही थी, उन सब के पैसे उनसे ले लिए जाते हैं। जो फैशन मॉडल होती हैं, उनका बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो होता है, जो फिगर साइज भी उनका जीरो होता है। जीरो साइज रखने के लिए उनको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और कई बार तो वो खाना नहीं खाके पेट भरने के लिए वो जूस के अंदर कॉटन बॉल को डिप करती हैं और उसको खा लेती हैं और जिसकी वजह से उनको भूख नहीं लगती।
और कुछ मॉडल्स तो ऐसी होती हैं कि जो कि बहुत ज्यादा खा लेती हैं और खाने के बाद या तो वो वॉमिटिंग कर लेती हैं या खाने के बाद बहुत ज्यादा कड़ी एक्सरसाइज करती हैं। शूट के दौरान जो ये मॉडल्स होती हैं उनको खाने पीने को नहीं दिया जाता और यहाँ तक कि पानी पीने को भी नहीं दिया जाता, क्योंकि उसकी वजह से उनको लगता है कि उनका स्टमक फूल जाएगा तो उनको उनकी ड्रेसेस उनके ऊपर अच्छी नहीं लगेगी। और कई बार मॉडल्स को डॉल की तरह दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी, बोटॉक्स और इसके अलावा फिलर का भी सहारा लेना पड़ता है। फैशन वर्ल्ड की चाहे वो मॉडल हो चाहे सेलिब्रिटी हो, उनकी जो वर्किंग आवर्स होते हैं बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। कई बार उनको सोने को नहीं मिलता और हर्ष में एक्टिव और खुश होना चाहिए, इसके लिए वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनको ड्रग्स की आदत पड़ जाती है। कई बार तो जो ये मॉडल्स होते हैं अपने आप को स्लिम ट्रिम के चक्कर में भी ड्रग्स लेते हैं। जो अपकमिंग मॉडल्स होती हैं वो अपने कॉन्टैक्ट बनाने के लिए वो बड़ी बड़ी पार्टीज में जाती हैं और अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, स्लिम और फिट दिखने के लिए वो ड्रग्स का सहारा लेती हैं और फैशन वर्ल्ड के अंदर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब मेरी स्टोरी यहीं खत्म होती है। जाने से पहले मैं आप लोगों से जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे ये बोलूंगी कि अपना ध्यान रखें और जो भी फैसला करें सोच समझ के करें। अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करें हर क्लॉज को ध्यान से पढ़ें। अब मैं बहुत जल्दी आपसे दूसरी स्टोरी के साथ मिलती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।